गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, तो संडे नाश्ता में बना है पास्ता। ये देखो खाएंगे, एंड ये मेरा है, वो शिल्पा का था। सभी खाएंगे पास्ता, एंड देखो आज क्या क्या होता है। और मौसम आज फिर से खराब है, पता नहीं हो पाता है हो नहीं हो पाता है। तो चलो अभी कर लेते हैं नाश्ता, भूख लग रही है बहुत जोर। धूप अभी निकलना स्टार्ट हुआ सुबह से, तो कैसा मौसम था, हम लोग रोने वाला बहुत। क्या होगा नहीं होगा, अभी फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पे आज संडे है तो नेल पेंट रिमूव होगा। दिखाओ तो एक बार थोड़ा सा कैसा हाथ। नहीं, नेल पेंट था तो मेरा देखो कैसा हो गया। मेरा देखो ना, अभी मेरे को भी रिमूव करना है, फिर नया नेल पेंट लगाऊंगी। मैं लगाती नहीं ऐसे बेसिकली, पर लगा लूंगी इस बार। और शिल्पा का भी अभी मैंने क्या किया, हैंड का वैक्स किया, जो इसको बहुत जल रहा है, बहुत जल रहे हैं। एंड मैंने मिर्ची काट लिया इसलिए मेरा हाथ जल रहा है। चलो अभी नेल पेंट में रिमूव करती। कौन सा नेल पेंट लगा रही हो, उस दिन जो मंगाया पर्पल वाला, दिखाओ लगा के दिखाओ। मस्त लग रहा है, साइड से लगाओ, शायद कॉर्नर में रह गया क्या। लग गया, दिखा। अच्छा लग रहा है। मैं भी अपना नेल पेंट रिमूव करूंगी, ये देखो, देन मैं नया नेल पेंट लगाऊंगी। सो चलो अभी मैं कर लेती हूँ अपना नेल पेंट रिमूव। शिल्पा का देखो नेल पेंट लग गया है, ये देखो ऐसा है, मस्त लग रहा है। मैं अपना लगाऊंगी। हम कर लेते, छोड़ो तुम नेल पेंट लगाया खराब हो जाएगा। रेनबम कर लेगा, छोड़ दो। ये देखिए मैंने नेल पेंट जो लगा लिया है, और मैंने इस कलर का लगाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, सो अभी हम लोग रील्स बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं। और ये देखो क्या कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं हम लोग, देख मिनट में दिखाते हैं हम लोग क्या। So, मैं पहनने जा रही हूँ ये वाला साड़ी, इसको मैं पहनूंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कितना सुंदर है। और इसके साथ मैं ये ब्लाउज पहनूंगी और पेटीकोट देखूंगी कौन सा चलेगा तो पहनूंगी। एंड शिल्पा पहनेगी ये वाला साड़ी और इसके साथ ये पहनेगी ब्लाउज के टैग में। तो अभी हम लोग होंगे रेडी, देन आपसे मिलते हैं रेडी, मतलब साड़ी पहनने के बाद मिलते हैं आप सबको, दिखाएंगे साड़ी कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, मम्मी का साड़ी है दोनों। चलो हो जाते हैं रेडी। सो गाइज हम लोग का बाल जो है भिगा हुआ ही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हेयर ड्रायर से इसको ड्राई कर रहे हैं। तो अभी मैं अपना कर रही हूँ, फिर शिल्पा का करूंगी। कर लेती हूँ इसको, जा रहे हम लोग रेडी। हम लोग का हेयर हो गया ड्राई, मैंने अपना भी किया, शिल्पा का भी किया, नहीं तो बाल अच्छा नहीं आता। तो अभी पहनते हैं साड़ी है, मम्मी का साड़ी है, ये हैवी साड़ी है, थोड़ा सा पता नहीं पहन पाएंगे नहीं पहन पाएंगे, अभी लेट्स सी, ट्राई करते हैं, मिलते हैं आप। साड़ी अपना पहन लिया, अभी प्लेट करना थोड़ा सा बाकी है। और ये साड़ी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। और अभी फिलहाल करेंगे मेकअप, शिल्पा को भी पहना दिया मैंने साड़ी, और शिल्पा भी करेगी मेकअप, मैं भी करूँगी, फिर हम लोग करेंगे। तो शिल्पा ने ये पहना दिया,
हम लोग रेडी एंड देखो साड़ी पहन लिया मैंने और साड़ी इतना ज्यादा अच्छा आप लोग देखो बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। और इसके साथ मैंने ये ब्लाउज जो पहना है इसके साथ पूरा परफेक्ट मैच हो गया ना सिल्पा, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अभी कुछ मैंने इसमें जो है पिंक कुछ ऐसा टाइप का ही लगाया है, बाद में लगाऊंगी क्योंकि हम लोग को ऐसा कुछ ट्रांजिशन बनाना था इसलिए हम लोग ऐसा किया है। सिल्पा भी पहना साड़ी, मैं सिल्पा का दिखाऊंगी आप लोगों को और मेरा बताना कैसा लग रहा है। एंड मेकअप ज़्यादा हाई फाई मेकअप नहीं है, सिंपल लुक है। मैंने इयर रिंग भी नहीं पहना, जो मैं हमेशा पहनती हूँ वही पहन के रखी हूँ। एंड चप्पल देखो यही पहन के रखा मैंने। सो आप लोग बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है। मैंने पहना ये साड़ी एंड शिल्पा का साड़ी देखो ये कितनी प्यारी लग रही है, कितनी प्रिटी लग रही है। एंड शिल्पा ने ये ब्लाउज पहना है और मम्मी का ही दोनों साड़ी, और ये साड़ी दोनों दीदी ने दिया है, बहुत ही अच्छा है। हम शिल्पा को बहुत दिन से बोला था ऐसी ये पहनेगा ना शिल्पा, आज पहन लिया, सब बहुत ही प्रिटी लग रही है। थू 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 फॉर लव फॉर साड़ी, साड़ी के लिए हमारा प्यार बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड अभी हम लोग रील्स बनाते तो धूप निकल गया, भगवान ने हम लोग की सुन ली प्रार्थना एंड धूप निकाल दिया। सो फाइनली आज लास्ट संडे को रील्स नहीं बना पाए थे, आज बना लेते। चलो रेडी रील्स बनाने के लिए, अगेन अब हम लोग रील्स बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक देखना आप लोग कैसा लग रहा है, बताना आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कैसा लग रहा है साड़ी हम दोनों का। ओके सो मिलते हैं आपसे। सो गाइज हम लोग का बन गया रील्स, डन हो गया, बहुत सारा रील्स बना लिया ना शिल्पा, बहुत सारा, और होपफुली बहुत ही अच्छा बन गया। और अभी हम लोग करेंगे चेंज, दो बज गया मीन्स बजेगा क्या। और आप लोग बताना हम लोग का साड़ी कैसा लग रहा था और पूरा परफेक्ट मैच हो रहा था नहीं हो रहा था ना, मस्त वीडियो, आज मन खुश हो गया पूरा, साड़ी पहन के आज लग रहा है कि हाँ साड़ी पहना है। और इतना अच्छा अच्छा रील्स बन गया, इतना अच्छा अच्छा वीडियो बन गया, मतलब देख के लगता ही नहीं है कि हम लोग है या हम लोग ऐसा रील्स बना रहे। सो आप लोग देखिएगा। एंड अभी मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, मम्मी का ये साड़ी बहुत ही मस्त है जो दीदी ने दिया था मम्मी को छठ पूजा में, और हाँ दोनों मैच हो रहा है। और ये वाला साड़ी मम्मी को दीदी ने दिया है, हम लोग जब गांव में शादी में गए थे तब लेके आई थी दीदी, और ये वाला छठ पूजा में दीदी आई थी तो लेके आई थी। कितना अच्छा साड़ी है, कितना अच्छा है मैं क्या बोलूँ। अभी फिलहाल चेंज कर लेती हूँ और खाएंगे खाना क्योंकि भूख लगी है, काम करना बहुत सारा जो हम लोग खिंडाए हैं ना, इतना सारा कपड़ा सब वो सब सही करना। चलो मिलते हैं आपसे। अभी हम लोग हो गई है शाम, 4:30 बजने वाला हो गया और हम लोग अभी जा रहे हैं मतलब बाहर जा नहीं पा रहे इसमें, तो हम लोग सोच रहे हैं चलो ऐसे बैठा बैठा घर में बोर हो ऐसे अच्छा मूवी देख के आते हैं। तो अभी आज कौन सा मूवी लगा हुआ है, नॉर्वे क्या था सीरीज कुछ है पता नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, वर्सेस नॉर्वे कुछ है ऐसे, क्या मूवी का नाम था, शेरशाह क्या था, नहीं चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, हाँ वो मूवी लगा हुआ है। तो हम दोनों, मैंने ये पहना ये टॉप जो उस दिन मैंने आपको बताया कि हम लोग ने मंगाया मिंत्रा से, और शिल्पा ने ये हाँ शिल्पा ने ये पहना। सो मैंने बाल में कुछ ऐसा स्टाइल किया, शिल्पा ने कुछ ऐसा स्टाइल किया, शिल्पा ने इयरिंग भी पहना, मैंने तो नहीं पहना। अब हो गए रेडी और हम लोग को जाना है स्कूटी से फटाफट से। सो अभी चलो हम लोग निकलते हैं, देन आपसे वहाँ पर मिलते हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं आईनॉक्स में, क्यों आईनॉक्स में हम लोग बहुत दिन बाद जा रहे हैं क्योंकि इल्ली मल्टीप्लेक्स में ये मूवी नहीं लगा है, तो हम लोग आईनॉक्स में जा रहे हैं इसलिए। सो चलो अभी चलते हैं, मिलते हैं आपसे आईनॉक्स में। आप लोगों को पहले मैं दिखा चुकी हूँ आईनॉक्स, और हम लोग का सो अभी हम लोग आ गए एंड जाते हैं पहले क्योंकि हम लोग अभी चलते हैं। उस मूवी का, और हम लोग आज हो गए फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग मूवी के लिए राइट, और इतना अच्छा मूवी है ना, मतलब स्टोरी जो है ना अभी रियल लाइफ स्टोरी है। किसके ऊपर था याद नहीं है मुझे, कुछ था ये भूल गई है। तो मतलब उसमें रानी मुखर्जी का मतलब मेन रोल है और उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया एक माँ के रूप में। सो हम लोग वो मूवी देख के आ गए, हम लोग का कोई भी इरादा नहीं था मूवी देखने का, जस्ट हम लोग ने सडनली सेकेंड हाफ में जब हम लोग मतलब वीडियोस वगैरह बना के बैठे थे, तो हम लोग का ऐसे सडनली प्लान बना कि चलो अभी सेकेंड हाफ में कहाँ जाएगा, वैसे मौसम खराब था तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते, इसलिए हम लोग गए, तो हम लोग कहीं और आने वाले थे आज वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग इसलिए मूवी देखने के लिए चले गए। एंड हम लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे रील्स भी बना लिया है, फोटो भी खींच लिया एंड पॉपकॉर्न भी खाया, बहुत अच्छा लगा और मूवी बहुत अच्छा था। अभी आ गए घर आने के बाद में अभी हम लोग कर रहे हैं अपना खाने बनाने का तैयारी। खाने में क्या बन रहा है शिल्पा, आज संडे स्पेशल एज यूजुअल पनीर बन रहा है, और पनीर के लिए यहाँ पे शिल्पा अनियन कट कर रही है, टमाटो कट करेगी और मैं भी इसका हेल्प कर रही हूँ, दोनों मिल के बनाएंगे हम लोग। चलो अभी बना लेते हैं।
फिलहाल और मम्मी लोग को कोई आइडिया नहीं कि मम्मी को देखने के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ, झूठ बोल के गया था कि हम लोग जा रहे हैं बाहर वीडियो बनाने के लिए। एक वीडियो देख लेगी मम्मी तो मम्मी को पता चल जाएगा, सॉरी मम्मी। सो चलो अभी हम लोग मिलते हैं आपसे। कढ़ाई पनीर बन रहा है तो उसके लिए कैप्सिकम एंड अनियन फ्राई किया जा रहा है और यहाँ पे पनीर फ्राई हो गया है। यहाँ पे पनीर का ग्रेवी जो है वो फ्राई मतलब कुक हो रहा है और आप लोग के साथ तो मैंने रेसिपी शेयर किया हुआ है कढ़ाई पनीर का, तो आप लोग देखिएगा अगर आप लोग को पसंद आए तो। और कढ़ाई पनीर इसलिए बनता है ज़्यादातर हमारे घर में क्योंकि सबको ज़्यादा यही पसंद है ना शिल्पा। ये रहा मेरा एंड शिल्पा का यम यमी डिनर, कढ़ाई पनीर एंड रोटी। तो अभी खाएंगे, लगी है भूख। गाइस थक गए बहुत ज़्यादा आज, एंड अभी खाना वाना डन हो गया, आ गए सोने के लिए। एंड आप देख रहे ब्लैंकेट ओढ़ के सो रहे, यस अभी यहाँ पे सर्दी का मौसम है बहुत ज़्यादा, मतलब 10-12 दिन से मतलब लिटरली इतना बारिश देता है ना, बारिश और मौसम इतना हवा चलता है ना बाहर में, बहुत ठंड लगता है। सो इसलिए मम्मी ने इस ब्लैंकेट को भी धो दिया था और अगेन हम लोगों ने वापस ओढ़ना शुरू कर दिया। हम लोग पहले पतला वाला कंबल ओढ़ रहे थे ये, फिर बारिश आया तो फिर हम लोग को ठंड लगा, सो इसलिए हम लोगों ने एक ब्लैंकेट मम्मी को रखने नहीं दिया, धो के सुखा के फिर हम लोग ने उसको ओढ़ना शुरू कर दिया। एंड अभी आ गए सोने के लिए। एंड शिल्पा क्या कर रही है, मोबाइल चला रही है, मम्मी करो ना क्या चलाते रहता है। और आज का संडे बिजी भी था, मज़ेदार भी था एंड बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक भी था, अच्छा था, पर आज रील्स बन पाया इसलिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, हैप्पी हम दोनों। सो अभी फ़िलहाल सोएंगे एंड कल से मंडे है तो मंडे मतलब संडे का रात को बहुत टेंशन रहता है कि मंडे आ रहा है, अब संडे के लिए 6 दिन वेट करना पड़ेगा। और जब सैटरडे आता है तब लगता है ओह माय गॉड थैंक गॉड कल संडे है, बट कोई नहीं काम तो करना ही पड़ेगा। सो कल ऑफिस भी जाना रहेगा, बहुत सारा काम रहेगा। सो एनीवेज हम लोग का फाइनेंशियल ईयर मार्च एंड में होने वाला है, न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है। सो अभी चलो मैं फिलहाल इस वीडियो का एंड यहीं पे कर लेती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसमें कुछ भी पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ, और बताइएगा साड़ी कैसा लग रहा था हम लोगों का। बाय, लव यू ऑल।